इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती को लेकर स्कूल विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आजीवन वैध रहेगी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की पात्रता। हम आपको बता दें कि एमपी टेट 2018 और उसके बाद क्वालिफाई उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। पहले 3 साल तक वैध थी एमपी टेट के पास अभ्यर्थियों की पात्रता, अब भर्ती के लिए अलग से होगी शिक्षक चयन परीक्षा। तो शिक्षा भर्ती से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी टेट 2018 और उसके बाद क्वालिफाई उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। पहले 3 साल तक वैध थी एमपी टेट के पास की गई अभ्यर्थियों की पात्रता, लेकिन अब अलग से शिक्षक चयन किया जाएगा। शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एमपी टेट की परीक्षा, जो 3 साल के लिए वैध रहती थी, अब अलग से चयन परीक्षा कराई जाएगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है एमपी टेट की परीक्षाओं को लेकर और स्कूल शिक्षा विभाग में जो भर्तियां होती हैं उसको लेकर। अब जो एमपी टेट की परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी, यानी कि 2018 के क्वालिफाइंग स्टूडेंट थे या उसके बाद की, उनकी पात्रता ये आजीवन वैध होगी। इसके पहले जो नियम थे वो नियम ये थे कि एक बार परीक्षा देने के बाद जो पात्रता होती थी उसकी वैधता महज 3 साल तक होती थी, और अगर इन 3 सालों में भर्तियां नहीं निकली तो आपकी पात्रता जो है वो अमान्य हो जाती थी, दोबारा से एमपी टेट की परीक्षा देनी पड़ती थी। अब जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसकी वैधता भी आजीवन होगी, यानी कि 2018 और उसके बाद। इसके अलावा जो नई परीक्षाएं आयोजित होंगी, जो नए क्वालिफाइंग्स होंगे, उनकी भी जो पात्रता होगी वह आजीवन वैध मानी जाएगी।